अगर मेरी और अयाज की शादी ना हुई ना तो ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। चार दिन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा तुम्हें, वरना मेरा नाम बदल लेना। मुझे इसकी इबादत करने दे। पापी आप क्या करके आई हैं? पागल तो नहीं होगी आप? सिप्टेंट भाई की शादी का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? और मेरी और अयाज की शादी क्यों नहीं हो सकती? किस तरह दान चबा के बात कर रही हो मुझसे? पागल हो गई हो? मैंने कुछ नहीं किया ना, जो तुम्हारी पागल ड्रामेबाज सास है ना उसने किया है। उसने ये कहा है कि अगर मैं सिप्ते की शादी उसकी दो टके की बेटी से नहीं कराऊंगी तो तुम्हारी शादी वो अयाज से नहीं करवाएंगी। तो आप नौशीन के लिए इनकार करने गई थी मेरा रिश्ता तोड़वाने? नीचे करो उंगली। और क्यों इतनी पागल हो रही हो? तो अयाज की ऐसे बात करियो जैसे वो कहीं का शहजादा है। अल्लाह का शुक्र है उनकी असल औकात नजर आ गई हमें। लालची लोग हैं दो नंबर किस्म के। आप ही लालची वो लोग नहीं है, लालच आप कर रही हैं। सिप्तैन भाई और नौशीन की शादी ना करवाकर इस सदी में तो कम से कम आपको कोई लड़की पसंद नहीं आएगी ना सिप्तैन भाई के लिए। और अगर आ भी गई तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। एक और लफ्ज बोला ना बहुत बुरा होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरी और अयाज की शादी ना हुई ना तो ये घर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। चार दिन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा तुम्हें, वरना मेरा नाम बदल लेना। चार दिन नहीं, पूरी जिंदगी गुजारनी है मुझे उसके साथ। मोहब्बत करता है मुझसे, मेरी बात सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। एक मिनट आप कहीं जेलस तो नहीं हो रही? क्योंकि आपको तो कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो आपका ख्याल रखता हो या आपकी बात। शट अप, जस्ट शट अप। बचपन से तुम्हें बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, ना जाने क्यों मुकाबला करती हूँ मुझसे। क्यों तुम्हें लगता है कि खुदा ना खासा मैं तुम्हारी सौकन हूँ? मैं उस औरत के घर तुम्हारी शादी की डेट देने के लिए गई थी, आपने उससे सट्टे की बात की। क्या करती मैं है? मजबूर करती, गला घोंट देती, गन पॉइंट पे कहती डेट दे। अच्छा आप ही, आई एम सॉरी, आप मेरी बात सुने। अगर सिप्तैन भाई और नौशीन की शादी होती है तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है। देखिए नौशीन तो आपसे दबके रहेगी, उसका भाई आपका बहनोई होगा और नदीम भाई जैसा सड़ियल और बदतमीज नहीं। हर तरफ से आपका फायदा है। आप मेरी बात पे थोड़ा सा सोचें। बाजी अयाज साहब आए हैं। तो क्या करूं मैं, सर पे बैठाऊं? लाउंज में बैठाओ से। आप ही चलते हैं, मिलके आते हैं। बहुत बदतमीज हो गई है, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूं मैं।